किसान आंदोलन का, जो मांग से आबरू नोचने पर उतर आया। अब कहां गई सरकार के खिलाफ जहर उगलने वाली पूनम पंडित। किसान आंदोलन की रहनुमाई करने वाले राकेश टिकैत। टीकरी बॉर्डर पर युवती की अस्मत तार तार करने वाले हैवानों पर अब क्यों चुप है मोहित शर्मा और हरेंद्र विकलांग। किसान मंच बनाकर सरकार के खिलाफ नंगा नाच करने वाले किसानों के रूप में अस्मत के भूखे भेड़ियों की ये ललकार अब तो बंद होनी चाहिए। देश के जिंदा लोकतंत्र में प्रदर्शन आंदोलन करना सबका हक है, लेकिन किसी बेटी को आंदोलन में बुलाकर उसकी अस्मत पर ऐसा वार किया जाए, ये हर किसी की समझ से परे है। चलिए आपको इस खौफनाक कहानी का पूरा सार बताते हैं। दरअसल जिस युवती के साथ ये वारदात हुई, वो 11 अप्रैल को किसान आंदोलन में भाग लेने पश्चिम बंगाल से दिल्ली आई थी, लेकिन युवती कोरोना संक्रमण का शिकार हो गई और 30 अप्रैल को उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, मृतका दिल्ली से टीकरी बॉर्डर पर आरोपियों के साथ ही पहुंची थी। वारदात को अंजाम देने के बाद भी बलात्कार के आरोपी टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में पूरी तरह से सक्रिय रहते थे। बावजूद इसके आंदोलन में मौजूद किसान इस बात से पल्ला झाड़ते रहे, लेकिन जब लड़की के पिता ने आरोपियों की शिकायत पुलिस से की तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। इसे लेकर टीकरी बॉर्डर पर किसान सोशल आर्मी चलाने वाले अनूप और अनिल मलिक समेत 4 के खिलाफ आईपीसी की धारा 365, 342, 354, 376 और 120 बी के तहत मामला दर्ज हुआ है। ये तो प्रॉब्लम करते हो।